हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एसएल त्रिपाठी सर। आप सभी का रुद्रा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे। हमारा अगला जो है जो हेडिंग होगी, चैप्टर होगा, वो क्या है, किसी सेल के सिरों का विभवांतर भी ज्ञात करना। किसी सेल या बैटरी, किसी सेल के सिरों, किसी सेल के सिरों का विभवांतर, विभवांतर वी ज्ञात करना या इसके लिए सूत्र, तो ये रहा हमारी हेडिंग। अब हम लोग इसके लिए सूत्र निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे आगे देखते हैं। मानकर चल रहे हैं कि कोई एक सेल है या बैटरी है, ये बैटरी का प्लस सिरा है टर्मिनल से और ये दूसरा वाला माइनस टर्मिनल से। तो एक हम परिपथ बनाएंगे इसकी, हम मानकर चल रहे हैं कि इस बैटरी का सेल का जो है विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है और इस प्लस सिरे के टर्मिनल से धारा आई प्रवाहित हो रही है और इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो स्मॉल आर है तथा इस सेल को किसी कैपिटल आर प्रतिरोध से जोड़ा गया है। अगर ऐसा है तो इस सेल का विद्युत वाहक बल या सॉरी विभवांतर वी क्या होगा, उसी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो लिखेंगे चित्रानुसार माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है तथा इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर एवं इस सेल को किसी कैपिटल आर प्रतिरोध से जोड़ा गया है तथा इसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर है, विद्युत वाहक बल ई है कैपिटल ई और कैपिटल आर प्रतिरोध से जोड़ा गया है। तो नीचे लाइन से हम लिखेंगे विद्युत धारा आई इक्वल टू, तो विद्युत धारा का हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, विद्युत धारा आई इक्वल टू क्या होता है, विद्युत वाहक बल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ कोई लगा हुआ कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध तो यहां पर धारा को हमने आई माना है तो आई ही है भाई, इस वर्टू में इस वर्टू लगा दी। विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल चित्र से ही दिखाई पड़ रहा है कि हमने ई माना है तो लिख जाएगा ई, ठीक है। अब प्रतिरोध की बात की जाए तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, इस परिपथ के दो प्रतिरोध लगे, एक आंतरिक प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध है, ये कौन सा है, बाह्य प्रतिरोध है और स्मॉल आर वाला क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, इसको बोलेंगे आंतरिक प्रतिरोध। तो यहां पर परिपथ का कुल प्रतिरोध मतलब
स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब हम अगर इसके नीचे वन माने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो क्या आ जाएगा भाई, आगे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो आई का मल्टीप्लाई यानी इसमें होगा आई का मल्टीप्लाई हो रहा है स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। इधर वन का मल्टीप्लाई अगर हम ई में करेंगे क्या आ जाएगा, कैपिटल ई आ जाएगा। आई का मल्टीप्लाई आर में करेंगे आर में, तो आई आर प्लस आई कैपिटल आर इधर आ जाएगा स्मॉल ई। तो एक सूत्र और भी हम लोगों ने पढ़ा था कि V पर टू आई आर होता है, तो यहां पर हम लोग क्या रख देंगे आई आर की जगह पर V रख सकते हैं, तो आई आर प्लस V इज इक्वल टू E हो गया। अब हमको निकालना क्या है, V ही निकालना है क्योंकि इंप्लाइज दैट V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E माइनस का, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस कर जाएगा आई आर। ये रहा हमारा जो है फार्मूला किसका, विभवांतर का। विभवांतर है तो यूनिट कितनी आएगी, वोल्ट में आएगी। नोट कर लीजिए, आशा करता हूं क्वेश्चन में आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत शेल का जो है विद्युत विभव पतन। नोट करिए, हाँ अगली हेडिंग हमारी शेल का विभव पतन। कोई भी सेल है उस सेल में जो विभव का पतन हो रहा है, पतन का मतलब कमी आ रही है, गिरावट आ रही है, उस कमी को कैसे हम लोग जानेंगे, क्या कह रहा है, कह रहा है जब स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल से स्मॉल आई धारा प्रवाहित होती है तो सेल के अंदर आई आर वोल्ट विभव व्यय होता है यानी खर्च होता है। जब कोई भी सेल है उस सेल से कोई जो है कह रहा आर आंतरिक उसका प्रतिरोध हो, किसी सेल का प्रतिरोध स्मॉल आर हो, कौन सा प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, और उस सेल से आई धारा प्रवाहित हो रही हो तो सेल के अंदर आई आर वोल्ट का विभव व्यय होता है, विभव खर्च होने लगता है और इसे ही हम लोग विभव पतन कहते हैं। तो विभव पतन का अगर हमको निकालना हो तो सूत्र क्या होता है, डेल्टा वी, डेल्टा डिफरेंशियल से लगाया जाता है कमी, यानी कमी होना, डेल्टा वी इक्वल टू आई आर, और आई आर को ये हम लोग ई माइनस वी लिख सकते हैं, तो ये इसकी यूनिट आ जाएगी वोल्ट में। ठीक है, तो ये तो रहा जा रहा है हम लोगों का जो है विभव पतन। अगली हेडिंग हमारी है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, अगली हेडिंग हमारी विद्युत वाहक बल, इसी को इंग्लिश में इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स कहते हैं। तो है क्या इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स है क्या भी, करा एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि क्यू आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W हो तो सेल का विद्युत वाहक बल संबंधी सूत्र निम्न प्रकार होगा, यानी E इक्वल टू W अपॉन Q, W वर्क है, कार्य की इकाई जूल होती है, Q आवेश है, आवेश की इकाई कूलाम होगी और जूल अपॉन कूलाम को ही हम लोग वोल्ट कह सकते हैं। तो कह रहा है किसी यानी कोई एकांक आवेश है, कोई आवेश है, उस आवेश को पूरे परिपथ में, हमने जैसे बताया कि अभी कोई मान लिया जाए कि एक परिपथ है नहीं और इस परिपथ में मान लिया जाए कि ऐसी स्टाइल से बना हुआ है, यानी ये माइनस से प्लस, तो यहां से भाई धारा कहेगी तो धारा क्या है, धारा आवेश कहीं तो अनुपात है समीकरण अनुसार, तो यानी जो ये आवेश यहाँ फ्लो होगा चार्ज जो निकलेगी, कह रहा है एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, यानी इस आवेश को यहां से चलने के बाद ये पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए, यानी यहां तक पहुंच जाए तो प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को, यानी जो सेल एनर्जी निकाल रहा है ऊर्जा को निकाल रहा है कि ये ऊर्जा यहां से पहुंच करके आवेश यहां तक माइनस टर्मिनल तक पहुंच जाए, तो यहां पर कह रहा है करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहा जाता है, यानी इस ऊर्जा का ही नाम है विद्युत वाहक बल। और अगर हमारा जो क्यू आवेश
को जो है परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई वो ऊर्जा डब्ल्यू हो, तो सेल का विद्युत वाहक बल संबंधी सूत्र हम लोगों ने पढ़ा भी कि इस बल डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है और इसकी यूनिट क्या होगी, जूल प्रति कूलम्ब या वोल्ट होगी। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।